दृष्टि आईएएस के डेलीकरण न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेलीकरण न्यूज में चर्चा का विषय है फ्रांस की नई प्रधानमंत्री की नियुक्ति। हाल ही में एलिजाबेथ बोन को फ्रांस की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वह बोन जीन कास्टेक्स की जगह लेंगी, जिनका इस्तीफा पिछले महीने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के दोबारा चुने जाने के बाद अपेक्षित था। आपको बता दें कि बोन एडिथ क्रेसन के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला है। एडिथ क्रेसन 1991 से 1992 तक प्रधानमंत्री रही थी। यह कई अलग अलग सरकारी मंत्रालयों में लंबे करियर के साथ एक टेक्नोक्रेट के रूप में प्रतिष्ठित हैं। बोन का एक मिश्रित ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसकी कार्यकर्ताओं, यूनियनों और वामपंथी मतदाताओं ने आलोचना की है। 2015 में वह राज्य के स्वामित्व वाली परिवहन कंपनी RATP की CEO बनी, जो पेरिस मेट्रो का संचालन करती हैं। मैक्रोन की पहली सरकार में वह परिवहन मंत्री और पारिस्थितिक संक्रमण मंत्री थी। प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल।